हेलो दोस्तों, आईटीआई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई क्लासेस के माध्यम से आईटीआई से रिलेटेड जॉब अपडेट्स दी जाती हैं, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीआरडीओ के द्वारा 1817 पदों पर जारी विज्ञापन की। तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि डीआरडीओ सेप्टम एमटीएस रिक्रूटमेंट 2019 डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पोस्ट नेम की यदि हम बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ है। इंपॉर्टेंट डेट्स की यदि हम बात करें तो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इसमें दी गई है 23 दिसंबर 2019 से, और अंतिम तिथि जो होगी इसकी 23 जनवरी 2020 होगी। मतलब जो आपको आवेदन करना है वो 23 जनवरी 2020 से पहले करना है। एग्जाम डेट की यदि हम बात करें तो वो आपको डीआरडीओ द्वारा ईमेल या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा बता दिया जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क है, और एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया होगी। एज लिमिट इसमें आपको दी गई है 23 जनवरी 2020 से। मिनिमम जो एज होनी चाहिए आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन इसमें एज पर रूल्स दिया गया है। जब आप इसका विज्ञापन एक बार पढ़ेंगे तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की यदि हम बात करें तो 1817 पद इसमें दिए गए हैं। कैटेगरी वाइज डिटेल की अगर हम बात करें तो यहां जनरल के आपको 849 पद दिए गए हैं, ओबीसी के 188 पद दिए गए हैं, ईडब्ल्यूएस के 530 पद दिए गए हैं, एससी के 163 पद हैं और एसटी के 114 पद हैं। पे स्केल की यदि हम बात करें तो 18,000 पर मंथ से लेकर आपके 56,900 रुपये पर मंथ दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए, और जो कैंडिडेट आईटीआई डिप्लोमा पास कर चुके हैं और जिनका परिणाम भी आ चुका है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें आपको अप्लाई कैसे करना है, कैंडिडेट्स डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 23 दिसंबर 2019 से लेकर 23 जनवरी 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होंगे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय, इसमें आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद यदि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के और भी अगर सर्टिफिकेट है तो आप वो लगा सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपके पास में, फोटोग्राफ होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। यदि आप कोई कैंडिडेट सर्विस में है तो एनओसी उसके पास में होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन की यदि हम बात करें तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन सीबीटी एग्जाम। इसमें आपके दो एग्जाम होंगे, CBT 1 एंड CBT 2। जो कैंडिडेट CBT 1 क्वालिफाई करेगा वही CBT 2 के लिए अपीयर होगा। आप अप्लाई करने से पहले इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें, और उसके बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से अपना आवेदन कर सकते हैं।